अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दाल गोश्त शादियों की दावत में बनने वाला दाल गोश्त है और इसका जायका बिल्कुल भी दावतों वाला है। और एक बार ज़रूर ट्राई करना बिकॉज बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस बनता है, लाजवाब बनता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दाल गोश्त बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने 1.25 किलो मटन ले लिया है, बीफ का लिया है हड्डी वाला, तो आप चाहे तो सिर्फ गोश्त भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया और इसको धो के इसका जो पानी होता है उसको मैंने ड्रेन आउट किया है। तो सबसे पहले इसको हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के लिए इसको मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा स्लाइस किया हुआ अनियन प्याज, और ये बड़े साइज़ का प्याज है तो इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। एक चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मटन बॉईल करने से जो मटन का टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, कुकर लगा के इसको हम बॉईल करने के लिए साइड में रख देंगे। इसका जो दूसरा स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमें दालें लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 दालों का कॉम्बिनेशन है, एक मूँग दाल, तुअर दाल और ये मसूर दाल, और यहाँ पर 5 मैंने हरी मिर्च ले लिए है। तो इनको डालकर इसमें बॉईल करना है और यहाँ से मैं ऐड करूँगी हल्दी और नमक। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें ऐड करना है, लेकिन याद रहे जो तुअर दाल है, मसूर दाल है और मूंग की दाल है, उन तीनों को हमें इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसी के मेजरमेंट से तीनों दालों को ले लिया है। तो आप अपने हिसाब से, आपको कम ज़्यादा या जितनी क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से आप फिर मेजरमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले तीनों दालों को मिक्स करके धो लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए दालों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है और इसमें 5 ग्रीन चिली जो मैंने लिया था वो डाल दिया है। साथ में इसमें डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और उसके बाद नमक जो कि आपको टेस्ट के हिसाब से ही डालना है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल की वजह से ये होगा कि जो दाल है वो सिटी से बाहर नहीं आएगी और कुकर वगैरह गंदा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है। तो इसको हम एक सिटी हाई फ्लेम पे और 15 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे दाल को गला लेंगे। और ये अब तीसरा स्टेप है हमारा, मटन बॉईल हो गया, दाल बॉईल हो गया, और अब हम देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो लौकी लिया है, इसको बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है। और बघार के लिए कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे ज़ीरा है, तेजपत्ता है, छोटी इलायची, उसके बाद दगड़ फूल, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह, ये सारे गरम मसाले हैं। तो इनको हमें बघार में डालना है। इसके बाद हम कुछ पाउडर मसाले भी ले लेंगे, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट, तो जायके के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने होममेड गरम मसाला 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच मीट मसाला यानी मटन मसाला, कोई भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हरा मसाला ले लिया है, 1/2 मुट्ठी धनिया और 1/2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना, और 5 हरी मिर्ची हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और यहाँ पर ये 4 हरी मिर्ची है। 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 2 यहाँ पर प्याज लिए हैं, और 1 प्याज हमने पहले बॉईल में मटन में डाला है, तो टोटल हमने 3 प्याज लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं जो कि हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। तो टमाटर और प्याज को हम स्लाइस कर लेंगे। यहाँ पे मटन को भी अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है मैंने और इसको साइड में रख देंगे। जो मसाला हमने लिया था हरा मसाला उसको मैंने पीस लिया है, और इसी मसाले में हम सारे पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे और एक अच्छा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये जो मीट मसाला है और गरम मसाला है उसको मैंने ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, इन सबको डालकर पेस्ट बना के हम साइड में रख देंगे।
और यहाँ पर देखिए दालें भी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो अब चलते हैं इन सब चीज़ों को पकाने के लिए। तो देखिए एक भगोना मैंने ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये एक ग्लास सरसों का ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें मैं डाल रही हूँ सारे खड़े गरम मसाले, और मसालों को 30 सेकेंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो इसमें हम स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को अच्छा ब्राउन कर लेंगे। और ये प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं तो हमने जो मसाला तैयार किया हुआ था बस इसी मसाले को ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर को मैंने स्लाइस कर लिया है और टमाटर को गलने तक इसको फ्राई करेंगे हम। एक चम्मच इसमें मैं कटी हुई धनिया ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जो लौकी हमने कट करके रखा है उसको ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको ढककर अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए लौकी हमारी हाफ डन हो चुकी है, लेकिन हम इसको अच्छे से गला लेंगे। और उसके बाद जो मटन हमने बॉईल किया था मटन को ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको भी मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए गोश्त और जो लौकी था उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दाल बॉईल किया हुआ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब लास्टली इसको हम बघार लगाएंगे। तो बघार के लिए यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर लिया है और ये है पुदीने की पत्तियाँ, और एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तो बस इसको ऐड कर देंगे दाल में। और इसमें सबसे मेन फ्लेवर जो आता है फाइनल वो कोल का आता है, जो इसको इसमें हम कोल का धुआँ लगाएंगे। तो कोल को मैंने जला लिया है अच्छे से और उसमें एक चम्मच मैं डाल रही हूँ बटर। पूरा एक चम्मच भर के आपको बटर डालना है ताकि ज़्यादा ज़्यादा धुआँ हो, और इसको बंद करके 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद देखिए ये दाल गोश्त आपका बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह।